हनुमान जी की कथा निराली, हनुमान चालीसा निराला, हनुमान जी की भक्ति निराली। ये करतालों पर भी हनुमान जी की भक्ति है। ऐसे लेकर ऐसे राम राम करते रहते थे, 24 घंटे राम राम करते रहते थे। रामायण में आता है, सुंदरकांड में हनुमान जी सबसे छोटी योनि का रूप बनाया है। 84 लाख योनियों में से सबसे छोटी योनि कौन सी है बताओ आप? कौन सी छोटी योनि है? 84 लाख योनियों में सबसे छोटी योनि कौन सी है बोलो? क्योंकि रामायण में बताया गया सबसे छोटी योनि है मस्क समान। मस्क मच्छर, मच्छर जो है उड़ भी जाता है और होता भी सबसे छोटा है, पता नहीं चलता। जितना मर्जी पहलवान हो, अमेरिका में भी कुश्ती खेल के आया हो, जीत के आया हो, पर मच्छर से घबराता हुआ रात को गुड नाइट लगाना भूलता नहीं है। इतना बड़ा पहलवान है, इतने कंपटीशन जीत के आया है, पर एक मच्छर से वो उतना घबराता है कि रात को गुड नाइट लगा के सोता है कहीं मच्छर ना काट जाए। रामायण कहती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ने जब लंका पार किया तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ये जो लंकनी खड़ी हुई है ये इतनी तीव्र आंखों वाली है, इतनी तेज तरार है कि मुझे ये अंदर इस रूप में जाने नहीं देगी। बोले क्या करूं? बोले ये तो इधर उधर एक मिनट भी झपती, ऐसे आंख झपती नहीं है, पकड़ पकड़ के खा रही है सबको, और मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तो शरीर बहुत बड़ा है, कल कबूतर आकार शरीर। हनुमान जी बोले मैं कैसे जाऊंगा, ये तो मुझे पकड़ लेगी। तो हनुमान जी ने कहा सबसे छोटा रूप बना लेता। हनुमान जी ने सोचा लोग शर्म करते हैं, मैं क्यों छोटा बनूं? तो राम कार्य में राम जी का काम करने के लिए मुझे छोटा भी बनना पड़े, तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मैं बनने को तैयार। हम लोग सोचते हैं हम नीचे क्यों बैठे, हम बड़े हैं, हम क्यों नीचे बैठे, पर हनुमान जी का सबसे छोटा रूप बनाना मेरे लिए अनिवार्य है। राम जी की सेवा में लगना है तो बड़ा बनकर मैं नहीं लग सकता। हनुमान जी ने कौन सा रूप बनाया बोलो ना? मच्छर का रूप बनाया। रामायण कहती है कि मस्क समान रूप का पीता रही, मच्छर बने नहीं, शक्ति उतनी है, मच्छर जैसा सब रूप बना लिया, मच्छर नहीं बन गए, मच्छर जितना रूप बना लिया। और जैसे ही अंदर जाने लगे, बोलो जय हनुमान जी की, जैसे अंदर जाने लगे तो जो लंकनी गेट कीपर थी, संदीप जी जो गेट कीपर थी, रावण की गेट कीपर, मांस मदिरा खाने वाली लंकनी, उसने हनुमान जी ने जो रूप बनाया था मच्छर का, उस लंकनी ने उस मच्छर को, मतलब हनुमान जी को ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया, ऐसे ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया और बोली मैं जान गई हूं, मैं पहचान गई हूं, हमारी लंका का ये मच्छर नहीं। कैसी कैसी बातें रामायण में छिपी हैं। बोली मैं पहचान गई हूं, हमारी लंका का मच्छर नहीं है तू, बोल कहां से आया है, तू कौन है? हनुमान जी बोले मुझे इसका डर नहीं कि तूने मुट्ठी में पकड़ लिया, पर मैं खुश बहुत हूं। बोले किस बात पे? बोले मैं खुश बहुत हूं। हनुमान जी जो मच्छर बनकर, बोले किससे, किस बात पर प्रसन्न हूं?
हनुमान जी बोले मैं तेरी बात पे प्रसन्न हूं, बोली मैं तेरी बात पे प्रसन्न हूं। हनुमान जी बोले मैं लंकनी तेरी इस बात पे प्रसन्न हूं कि तू ड्यूटी पर चाहे एक राक्षस की ड्यूटी दे रही है, लंका की ड्यूटी दे रही है, मांस मदिरा खाने वाली है तू, पर तेरी ज्ञान और बुद्धि इतनी तीव्र है, तू परिपक्व है अपनी ड्यूटी पर, जो तूने मच्छर को भी पहचान लिया कि ये लंका का मच्छर नहीं है। हनुमान जी बोले धन्य है तू देवी जिसने ये पहचान लिया कि लंका का मच्छर तू नहीं है। बोली अब करने क्या जा रहे हो? बोली मैं तो, हनुमान जी बोले मैं तो अंदर जाना चाहता हूं। बोली अंदर नहीं जा सकते, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं अपने धर्म पर पक्की हूं, मैं जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले क्या करेगी? तो लंकनी बोली मोर आहार यहां लगी चोरा, मैं तो लंका के चोरों को खा जाती हूं और तुझे भी खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले मेरा भी संकल्प है जब तक राम जी का कार्य नहीं हो जाता मैं लंका में प्रवेश नहीं कर जाता, तो बाद में मुझे खा लेना, मैं पहले अपने आप को खाने नहीं दूंगा। लंकनी बोली कोई बात नहीं, मैं तो तुझे खा के ही रहूंगी। ऐसा बड़ा रूप बना लिया लंकनी ने, मुंह फैलाया, हनुमान जी को अंदर ही करने लगी। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अभी मैं तेरे को बड़ा दिख रहा हूं, अब फिर मैं छोटा बन जाऊंगा। अंदर घुस गए, बाहर आ गए, बोले ले खा लिया, अब तेरा काम भी हो गया, अब मुझे भी काम करने दे। मुक्का एक मारा मुठका एक महाकपिहानी रुधर व मत धरनी रघुमानी। एक मुक्का मारा हनुमान जी ने और वो लंकनी जो है नीचे गिर गई, खून निकला, अब गंदा खून जो रावण का खाया पिया था सारा निकल गया। पहचान गई कि तू कौन है, और वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने जब एक कोई बंदर आएगा तुझे मुक्का मारेगा और तेरा खून निकल जाएगा तो लंकनी समझ जाना लंका का सर्वनाश होने वाला। बोलो जय श्री राम, श्री राम, हाथ निकालो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो छोटा बनने में भी बहुत कुछ पाया जा सकता। कहते हैं 50 किलो रेत में 25 किलो चीनी मिला दो, 50 किलो रेत में 25 किलो चीनी मिला दो, एक हाथी को खड़ा कर दो, भाई चीनी अलग अलग कर दो, रेत से चीनी, बोलो समझ आ रही मेरी बात? 50 किलो रेत में 25 किलो चीनी मिला दी, हाथी को खड़ा कर दिया कि तू चीनी को अलग कर दे, वो कहता मेरा काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। इसको चीनी को कौन अलग कर सकता है? चींटियां आ गई, सारी चींटी बाहर निकाल दी। बोल मान के बिहारी, बड़े बनकर उसको नहीं पा सकते आप। मिठत नीवी नानका गुण चंगे यहां तक, छोटे बने रहो गुणों से बड़े बनना। जय जयकार करवाने के लिए गुण पैदा करो अपने अंदर, मगर हम वो करना नहीं चाहते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय Bye.
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्तिरस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।